जी साउथ मनपा वार्ड में सहायक आयुक्त श्री संतोष कुमार धोंडे और कॉलोनी ऑफिसर राजेंद्र मोहिते की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रहा भ्रष्टाचार। रिश्वत लेकर खुलेआम घोषित किया जाता है अवैध अपात्र झोपड़ों को पात्र। हालांकि वसाहत अधिकारी राजेंद्र मोहिते के तबादले का आदेश 10 नवंबर 2022 को ही मनपा मुख्यालय द्वारा दिया गया था, लेकिन उसे आज तक अमल में नहीं लाया गया। आज भी यह अधिकारी मनपा जी साउथ के कॉलोनी डिपार्टमेंट में ही बना हुआ है। सहायक आयुक्त अतिक्रमण निर्मूलन तथा मनपा मुख्यालय के आदेश की खुलेआम धज्जियां यहां उड़ाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार वसाहत अधिकारी राजेंद्र मोहिते पर वार्ड ऑफिसर संतोष कुमार धोंडे की छत्रछाया बनी हुई है, जिसके चलते भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी श्री मोहिते का तबादला नहीं किया गया है। यद्यपि शासकीय आदेश जारी होने के बाद 7 दिन के भीतर ही अधिकारी को नए स्थान पर शिफ्ट हो जाना अनिवार्य है, लेकिन राजेंद्र मोहिते वसाहत विभाग से हटने का नाम नहीं ले रहे। इसका प्रमुख कारण है वली के जीजामाता नगर और प्रेमनगर में शुरू होने वाला विकास कार्य। इमारतों के निर्माण के बाद पुनर्वसन में रहवासियों के पात्र अपात्र कर पैसा बनाने के खेल में सेटिंग का पूरा फायदा ये दोनों अधिकारी उठाना चाहते हैं। वसाहत अधिकारी राजेंद्र मोहिते इस काम में अनुभवी है, अतः सहायक आयुक्त धोंडे घरों के आबंटन में पूरी मलाई खाना चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जी साउथ वार्ड में राजेंद्र मोहिते के कुछ ऐसे दलाल हैं जो गैरकानूनी कामों को उनके पास ले आते हैं, जिसे मोटी रकम लेकर पूरा किया जाता है। कुछ दलाल महंगे मोबाइल फोन और सोना पहनकर मोहिते साहब के कॉलोनी डिपार्टमेंट में रोज हाजिरी लगाते हैं। झोपड़पट्टी में बने अपात्र घरों को पात्र करने के लिए लगभग 6 से 7 लाख रुपया रिश्वत लेते हैं। झोपड़ाधारकों को सारे दस्तावेज होने के बाद भी पहले अपात्र घोषित किया जाता है, ताकि इन झोपड़ाधारकों से एकमुश्त मोटी रकम वसूली जा सके। सूत्र बताते हैं कि झोपड़पट्टी में 14 फुट ऊंचाई बनाने की ही अनुमति होती है, अतिरिक्त ऊंचाई अवैध मानी जानी चाहिए, लेकिन घर के बाहर से सीढ़ी निकालकर तल एक मंजिले झोपड़े में ऊपर के मंजिल को भी बायोमेट्रिक करवाकर अतिरिक्त पुनर्वसन के लिए पात्र किया जाता है। इस कालाबाजारी के गोरखधंधे में वसाहत अधिकारी राजेंद्र मोहिते और वार्ड ऑफिसर संतोष कुमार धोंडे दोनों की मोटी कमाई होती है। हालांकि मनपा एक कार्यपालिका है जिसे जनता के अधिकार की रक्षा हेतु काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां के अधिकारी महज गैरकानूनी कामों को शह देकर निजी तौर पर आर्थिक लाभ कमाने में लगे हुए हैं। प्रेमनगर और जीजामाता नगर के झोपड़पट्टी क्षेत्र में 14 फुट से अधिक ऊंचाई वाले झोपड़ों पर तोड़क कार्यवाही के बजाय मोटी रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को पात्र घोषित करने का काम करते हैं, ताकि जब बिल्डर के द्वारा निर्माण का काम शुरू होगा तो अवैध झोपड़ों को भी फ्लैट आवंटित हो जाता है। संख्या नगण्य है, सर्व विषय माझे मुंबईचे, त्यामुळे पोलीस भरती मध्ये लक्ष द्यावं आहे आपलीच आहे। आणि शेवटचा मुद्दा जो सर्वांनी मांडला होता, त्या वर्णीतील जिजामाता नगरचं झालेलं बोगस जे प्रकरण आहे अनेक्षर 2 चं, ते रद्द करावं अशी मी मागणी करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद देतो। धन्यवाद तुम्हाला। कमी साधारणतः जिजामाता नगर, सप्ता नगर अशा प्रकारच्या साधारणतः 7 नगरांमधली परिशिष्ट 2 बनवण्याचं काम सुरू आहे। अध्यक्ष महाशय, जी साउथ विभाग कार्यालयात या परिशिष्ट 2 काम सुरू असतानाच कोणाकडनं तरी मला सूचना मिळाली की या कार्यालयात रात्री 2-2 वाजेपर्यंत काम चालतंय, आणि म्हणून अध्यक्ष महाशय एक कुतूहल म्हणून मी त्या कार्यालयात गेलो। त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलंय जो कोणी विकासक होता, हे साधारणतः गेल्या 1.5-2 महिन्यापूर्वीची स्थिती आहे, त्यावेळेला त्या कार्यालयात महानगरपालिकेचे जे कर्मचारी आहेत ते कामच करत नव्हते, तर विकासकाचे सगळे कर्मचारी हे त्या ठिकाणी खोटे पुरावे जमा करून त्या ठिकाणी परिशिष्ट 2 बनवत होते। अध्यक्ष महाशय, ज्या वेळेला मी प्रत्यक्षात त्याची पत्र देऊन माहिती मिळवली, त्यावेळेला साधारणतः धक्कादायक माहिती समोर आली। साधारणतः ह्या ज्या सगळ्या वसाहती आहेत, ह्या वसाहती 40-50-60 वर्षांपूर्वीचे आहेत। जिजामाता नगर ही वसाहत साधारणतः 1962 पूर्वीची आहे, त्यामुळे त्या वसाहतींमध्ये बेगायतीशीर घरांची निर्मिती झाली किंवा आहे हे म्हणणं चुकीचं आहे। मात्र अध्यक्ष महाशय, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले अँड ॲप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।